और सोमवार के बाजार पर स्ट्रेटजी जानते हैं अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, उम्मीद तो यही कि अमेरिका में एक अच्छा सेशन होगा, लेकिन किस तरह का सेशन होगा ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करेगा कि जेरोम पावेल साहब जो फेड के चेयरमैन है वो आगे किस तरह का आउटलुक देते हैं। और उसके दम पर सोमवार सुबह आपको डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखनी होगी। सपोर्ट धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, तो अब निफ्टी के लिए सोमवार को 16,565-16,600 की रेंज है, मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। और कमजोरी का संकेत तभी आएगा जब निफ्टी 16,565 के नीचे ट्रेड करने की शुरुआत करे। 16,725 के पार निकलते ही 16,800 और उसके बाद और ऊपर का रास्ता निफ्टी के लिए खुलता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, अभी भी फंसा है ट्रेडिंग रेंज में 35,425 बैंक निफ्टी के लिए सोमवार को सपोर्ट का काम करेगा। और 35,800 से 36,000 हल्की फुल्की रुकावट, इसके पार निकलने पर बैंक निफ्टी में भी बड़े ब्रेकआउट की संभावनाएं बनेगी। तो देखते हैं किस तरफ क्या कुछ एक्शन होता है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में धीमे धीमे फिर से रफ्तार लौटती हुई दिख रही है, लेकिन अल्टीमेटली सोमवार और अगला हफ्ता पूरी तरह से मैक और ब्रेक वाला सेशन होगा। अगर बाजारों को यहाँ से बड़ी तेज दौड़ लानी है तो उसके संकेत आपको फेड की मीटिंग के बाद अमेरिकी बाजारों से आते दिखेंगे। और अगर करेक्शन होकर थोड़ा नीचे की तरफ जाना है तब भी संकेत आपको सोमवार के सेशन में मिल जाएंगे। लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद मजबूत पूरा हफ्ता ये रहा है, और उम्मीद करें अगर फेड की तरफ से कहीं कोई निराशा वाले संकेत ना आए तो फिर भारतीय बाजार अब आपको और मजबूती के साथ 17,000 की तरफ जाने की तैयारी करते हुए दिख सकते हैं।